नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट नाइन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, वो भी बिना ब्रेक के। जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट ने सरकारी इमारतों और असंवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों पर राज्य का झंडा लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जम्मू में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं, लेकिन पीडीपी और एनसी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत का झंडा बुलंद हो रहा है और ये सियासत शुरू हुई है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद जिसमें कहा गया है कि सरकारी इमारतों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों पर राज्य का झंडा फहराया जाए। हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू स्टेट ऑनर एक्ट 1979 पर अमल करने को कहा है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत स्पेशल दर्जा हासिल है, इसलिए राज्य का झंडा लगाना जरूरी है। और अब सियासी दलों ने इस आदेश की व्याख्या अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से एफिडेविट कैसे फाइल कर दिया कि हम उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू स्टेट ऑनर्स एक्ट के तहत सजा देंगे अगर वो दो झंडे नहीं लगाएंगे। अगर पैंथर्स पार्टी इस फैसले के खिलाफ है तो पीडीपी इसे पुराना मसला कहकर इस मसले पर खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट मैन्युफैक्चर्ड अ डिसीजन, दिस इज ऑलरेडी देयर, इसमें नई बात कुछ है नहीं एंड आई डोंट थिंक इट्स अ सेटबैक फॉर एनीवन। जाहिर है अगर सरकार इस मसले को नहीं उठाना चाहती तो विपक्ष को एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया है। यहाँ के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ जस्टिस भी दे सकता है, इसको वेलकम करते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बीते मार्च महीने में राज्य सरकार ने भी ऐसा आदेश पारित किया था, लेकिन विरोध हुआ था तो सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार चाहती है कि राज्य में दो निशान और दो विधान हो? यही मैं कहूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की यही खूबसूरती है कि जहां पर हमारे पास एक और संविधान है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके अलावा ये फिर भी इसके होने के बावजूद भी जो है हमारी स्टेट जो है वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, और अगर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा फ्लैग है हमारे पास अगर, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सवाल बीजेपी से भी है, क्योंकि जो पार्टी चुनावों से पहले एक निशान एक विधान का नारा दे रही थी, क्या वो राज्य में दो झंडे यानी दो पहचान का समर्थन करेगी? जो राष्ट्रीय ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बराबर कोई भी झंडा जो है, चाहे वो स्टेट का फ्लैग है, नहीं आ सकता। ये बिल्कुल जो है स्पष्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। हाँ, एक हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई है, डेफिनेटली कानून के तौर पर उसको किस तरीके से करना वो किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तो सभी जगह होना चाहिए। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर का ध्वज अलग से भी रहता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की अनदेखी करके नहीं हो सकती और न की जानी चाहिए। जाहिर है ये मसला संविधान और कोर्ट के दायरे में कम और सियासत के मैदान में ज्यादा खड़ा है। बिहार में हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के कुछ ही घंटे बाद वैशाली में एक इंजीनियर और मुजफ्फरपुर में एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिसंबर 2015 दरभंगा में रंगदारी को लेकर दो इंजीनियर्स की हत्या। दिसंबर 2015 नालंदा में रंगदारी को लेकर एक युवक को गोली मारी गई। 28 दिसंबर 2015 हाजीपुर में इंजीनियर की हत्या। 28 दिसंबर 2015 भागलपुर में एनटीपीसी के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या। 28 दिसंबर मुजफ्फरपुर में व्यापारी की हत्या, पुलिस टीम पर बम से हमला। दरभंगा में दो इंजीनियर्स की हत्या से जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में बहार लाने का दावा करके नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए थे,
लेकिन इन वारदातों से सुशासन बाबू के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की वारदात उस दिन हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाकर जवाबदेही तय करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद न तो आपराधिक घटनाओं पर रोक लग रही है, न ही अपराध को अंजाम देने वाले पकड़े जा रहे हैं। अपराधियों का हौसला देखिए कि दरभंगा में जिस जगह दोनों इंजीनियर्स की हत्या हुई थी वहां से एक पर्ची भी मिली है और पर्ची पर लिखा है, हमसे भागकर कहां जाइएगा। पर्ची पर मुकेश पाठक और विकास झा का नाम लिखा है जिन्हें शार्प शूटर बताया जा रहा है। बिहार में चुनाव से पहले ही विपक्ष जंगल राज की वापसी का दावा कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें जबरदस्त जीत दिलाई। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय खुद अपने पास रखा है, मगर इन वारदातों से सवाल खड़े होते हैं कि क्या बिहार की सत्ता पर नीतीश की पकड़ कमजोर हुई है? क्या नीतीश सत्ता के लिए समझौता कर रहे हैं? क्या बिहार की जनता ने जंगल राज के लिए महागठबंधन को जीत दिलाई? दिल्ली पुलिस ने पंजाब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में एयरफोर्स के जवान को गिरफ्तार किया है। इस जवान को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एयरफोर्स से बर्खास्त किए जा चुके एएमएन रणजीत को आज दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आईएसआई एजेंट रणजीत को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट, उनकी एक्सरसाइजेज, उन सबको एक दूसरे देश की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के आदमी को पहुंचा रहे थे। पंजाब के भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात एयरक्राफ्ट मैन रणजीत पिछले 3 से 4 महीने से एयरफोर्स के रडार पर था। कोर्ट मार्शल के बाद कल ही रणजीत को बर्खास्त कर दिया गया था। एयरक्राफ्ट मैन रणजीत आईएसआई के हनी ट्रैप का शिकार बना था। आईएसआई ने फेसबुक पर लड़कियों के फेक अकाउंट की मदद से रणजीत के लिए जाल बिछाया। रणजीत इस हनी ट्रैप में फंस गया और आईएसआई के इशारे पर काम करने लगा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को फोन पर एक अज्ञात शख्स ने धमकी दी है। धमकी पर हरियाणा सरकार ने जांच का भरोसा दिया है। अज्ञात शख्स ने फोन पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा को हिसार नहीं आने की चेतावनी दी है। इसकी शिकायत हिसार सिटी थाने में दर्ज कराई गई है। हुई है और वस्तुस्थिति क्या है, पुलिस इसकी छानबीन करेगी और छानबीन करने के बाद ही जो कोई बात होगी उसमें असलियत में जाएंगे कि इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति कौन है, किसकी शय पर कर रहा है, क्या वास्तविकता है क्या नहीं है। उस कंप्लेंट की फर्दर इंक्वायरी के लिए रोजनामचा में जो DDR एंट्री है वगैरह वो कर दी गई है एंड इसके बारे में भी उनको भी जो कंप्लेंट है उनको भी संज्ञान में लाया गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मोबाइल पर 4 नवम्बर को करीब 4:45 बजे धमकी वाली कॉल आई थी। फोन करने वाले शख्स ने हिसार आने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा की जान को खतरा बताया है। करीब 31 सेकंड की बात के बाद धमकी देने वाले शख्स ने फोन काट दिया। गृह मंत्रालय ने DDCA घोटाले की जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम की ओर से NSA को लिखी चिट्ठी पर नाराजगी जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखी जानी चाहिए थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने साफ किया है, जांच के लिए IB अफसरों की मांग करना बिल्कुल गलत है। IB खुफिया एजेंसी है, कोई जांच एजेंसी नहीं। DDCA घोटाले पर दिल्ली सरकार की ओर से गठित जांच आयोग के अध्यक्ष गोपाल सुब्रमण्यम ने गृह मंत्रालय और NSA अजीत डोवल को चिट्ठी लिखी थी। कानून के जानकारों ने भी चिट्ठी को गलत ठहराया। गोपाल सुब्रमण्यम अपने पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इनको क्या इतनी पड़ी है करने की, अगर इतनी इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट रहना। उनको पहले पूरी इसकी माइक्रो डिटेलिंग कर लेनी चाहिए कि वो क्या मांग कर सकते हैं, मांग नहीं कर सकते, कौन से अफसर ले सकते हैं नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि गोपाल सुब्रमण्यम अपने कंधे पर बंदूक दिल्ली सरकार की चला करके काम करवाना चाहते हैं। गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी चिट्ठी में अलग अलग एजेंसियों से चुनकर अफसरों के नाम की लिस्ट भेजने की मांग की है। चिट्ठी में IB के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के 5 अफसर, CBI के 5 और दिल्ली पुलिस के भी 5 अफसरों के नाम मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उद्घाटन किया। PM ने कहा कि हम बाबा साहेब का सपना पूरा करेंगे। इस मौके पर PM मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के अलावा एक बड़ा अर्थशास्त्री बताया। PM ने कहा कि दलितों की तरह उन्हें भी अपमान सहना पड़ा है। बाबा साहब के भीतर अगर झोंके
तो भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के सारे रास्ते वहां से निकल आते हैं। हम तो जानते हैं पुराने जमाने से, अगर हम लोगों के यहां से कोई बारात भी निकले और घोड़े पर बैठा हो तो मौत भूल जाता था। अच्छे कपड़े पहन ले तो सामंतशाही मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है, और वो आज भी है। पीएम मोदी ने कहा, अंबेडकर चाहते थे देश में बढ़ते औद्योगिकरण का सबसे बड़ा फायदा दलितों को मिले। पीएम मोदी ने आगे कहा, हम जॉब देने वाले लोग बनाना चाहते हैं, जॉब चाहने वाले नहीं। पीएम मोदी ने दावा किया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 80 लाख लोगों को बगैर गारंटी के लोन दिया गया है। पीएम मोदी के मुताबिक पीएम मुद्रा योजना का सबसे ज्यादा फायदा दलित, एसटी और ओबीसी को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई। 3 सीनियर फैकल्टी गैर हाजिर पाए गए, वहीं एक एक्सरे मशीन बंद पाई गई। ज्यादातर डॉक्टर यूनिफॉर्म में नहीं पाए गए। कमियों को देखकर स्वास्थ्य मंत्री ने खूब खरी खोटी सुनाई। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ जब औचक निरीक्षण के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे तो उनके आसपास तीमारदारों का जमावड़ा लग गया। मरीजों और तीमारदारों के पास शिकायतों का पुलिंदा था। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में सीनियर फैकल्टी की लंबी सूची है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मरीजों को उनके अनुभव का फायदा नहीं मिल पाता। इस बात से स्वास्थ्य मंत्री भी वाकिफ हैं। कुछ दिनों से समाचार पत्रों में सीनियर फैकल्टी के नहीं होने के समाचार छप रहे थे। इससे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने भी अचानक निरीक्षण किया, आज मैंने अचानक निरीक्षण किया। 3 सीनियर फैकल्टी मेंबर आज उपस्थित नहीं रहे, उसकी हम जांच करेंगे। वो विधिवत रूप से छुट्टी लेकर गए या वैसे ही बिना कोई कारण के अनुपस्थित रहे, अगर बिना कारण से अनुपस्थित रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के कोने कोने को छान मारा। उन्होंने शौचालय से लेकर एक्सरे रूम तक का मुआयना किया। एक एक्सरे मशीन बंद होने की वजह से डॉक्टरों और ऑपरेटर्स को फजीहत भी झेलनी पड़ी। मुझे बताया गया कि कैथ लैब बंद है, एक एक्सरे मशीन भी आउटडोर में बंद है। अब आज ही मैं बैठक लेकर निर्देश दूंगा कि जितने भी यहाँ उपकरण और जितने भी लैब्स हैं इनको आने वाले 3 महीनों में फंक्शनिंग करें, वरना इनको कंडम। मंत्री जी के निरीक्षण का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग सरप्राइज विजिट का नया फॉर्मूला तैयार करने वाला है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कोटा में खुदकुशी करने वाले छात्र के पिता ने कोचिंग संस्थान पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। भानु के पिता का आरोप है कि संस्थान ने बिना उन्हें जानकारी दिए 10वीं के छात्र से मेडिकल की तैयारी कराई। भानु की मौत के बाद परिजनों ने जो सच्चाई सामने रखी है वह हैरान करने वाली है। भानु के पिता सुभाष की बातों पर यकीन करें तो भानु 10वीं की पढ़ाई करने वाइब्रेंट कोचिंग में दाखिल हुआ था, लेकिन कोचिंग संस्थान ने उसके अभिभावक को भरोसे में लिए बिना उसे मेडिकल फाउंडेशन कोर्स में डाल दिया। अब टेंथ में पास है, टेंथ का वक्त तैयारी कर रहा था, अब तो कोई चीज का तैयारी कर रहा था, टेंथ का गलत तैयारी कर रहा था। कब से रहा था ये? 9th से रह रहा था। खाली बिजनेस बना लिया, पैसा दे दो हमको, बस हो गया। माँ की कुछ से लेना देना नहीं है। बेटे की खुदकुशी से गमजदा सुभाष प्रसाद कोचिंग संस्थान को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई होना चाहिए, इसका बंद होना चाहिए। गार्डन लोग लूट रहा है, सब जितना भी है पब्लिक को सब लूट रहा है। कोचिंग छात्रों की खुदकुशी को लेकर सरकार भी चिंतित है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, उसमें सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। उसमें परिवार का भी सहभागिता चाहिए, समाज की भी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी चाहिए और सरकार की भी चाहिए। मेरे हम चारों ने प्रयत्न शुरू किया है, क्योंकि बालक को कौन सा कोर्स कराना है, उसकी इच्छा कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, इस आधार पर भी परिवार को चिंतन की आवश्यकता है। भानु के पिता ने जो सवाल उठाए हैं वो वाकई गंभीर है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर 10वीं के छात्र का पीएमटी और आईआईटी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान में दाखिला कैसे हुआ। हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोटा। हादसे की लाइव और हिला देने वाली तस्वीरें कोटा से आई हैं, जो कि अपने आप में एक बार देखने के बाद आपको सन्न कर देंगी। इसमें एक बुजुर्ग को सवेरे तेज गति से आ रही कार रौंदती हुई निकल गई, लेकिन कार चालक ने बुजुर्ग को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। मामला कोटा के दादाबाड़ी इलाके का है, जहां गुरुद्वारे से दर्शन कर लौटते समय मुख्य सड़क पर एक पैदल बुजुर्ग को कार सवार ने बेरहमी से रौंद डाला। इस घटना का दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और यह घटना 24 दिसंबर की है। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
जयपुर नगर निगम के सत्ताधारी बोर्ड की प्री साधारण सभा की बैठक नगर निगम की बजाय बीजेपी कार्यालय में हुई और बैठक में अनुशासन के नाम पर सभी पार्षदों को तुगलकी फरमान सुना दिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार के ऑडियो आउट मामले के बाद पार्षदों को मीडिया से बात करने से मना कर दिया गया है। यही नहीं, अब सिर्फ चेयरमैन और महापौर ही मीडिया से मुखातिब होंगे। बंद कमरे में हुई सत्ताधारी बोर्ड की प्री साधारण सभा की बैठक में पार्षदों को यह सख्त तुगलकी फरमान सुनाया गया है। निपटने के लिए विकास का ही रास्ता है, हम तो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और जयपुर शहर का विकास करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान को विकसित राज्यों में ले जाके उन्होंने जो खड़ा किया है, तो जयपुर शहर में जो भाजपा का बोर्ड है उनका मात्र एक एजेंडा है कि शहर का बेहतर विकास। बैठक से पहले ही सभी पार्षदों के मोबाइल जब्त कर लिए गए थे। यही नहीं, हैरान करने वाली बात ये रही कि भ्रष्ट चेयरमैनों की बजाय ऑडियो आउट करने वाले पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके एजेंडे में कहीं विकास है ही नहीं। हम जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के जो हमारी मेयर थी उनके टाइम जो कुछ भी हुआ उससे अलग हटके जयपुर शहर में एक बेहतर माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप ये देखिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण है, इसमें पूरा जयपुर शहर को इसमें टेकअप करेंगे, उसके साथ साथ एक व्यवस्थित सफाई व्यवस्था खड़ी होगी। बंद कमरे में हुई इस बैठक में खुद सत्ताधारी बोर्ड के पार्षदों के काम नहीं होने पर नाराजगी जताने की भी खबर है। इस बीच अकबल साधारण सभा की बैठक में 9 प्रस्तावों में सबसे ज्यादा अहम होगा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, लेकिन आज की बैठक के बाद अब कल की बैठक में हंगामे के आसार हैं। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान रोडवेज की बसों में अब सफर और भी ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होगा। इसके लिए स्केनिया कंपनी की सुपर लग्जरी बसें आ चुकी हैं। एक बस की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जल्द ही आप इन बसों में सफर का मजा भी ले पाएंगे। वोल्वो और मर्सिडीज बेंज की बसों के बाद अब रोडवेज के बेड़े में और भी ज्यादा लग्जरी बसें शामिल हो गई हैं। शुरुआती दौर में डिलक्स डिपो को 5 बसें मिल गई हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन और फिटनेस का काम पूरा हो चुका है। फॉर्मल लोकार्पण बाकी है, 2 बसें हमारी आ चुकी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 3 बसें आ चुकी हैं आज सुबह, उनका भी रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन चल रहा है। और ये काफ़ी हाई एंड बसेज हैं, जैसे वोल्वो थी, स्कैनिया, इस तरह की, जिनको इंडिया में सुपर लग्जरी बसेज की कैटेगरी में डालते हैं। नए साल में पैसेंजर्स इन बेहद मॉडर्न और लग्जरी बसों में सफर का मजा ले सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं इन बसों की खूबियां। पहली ये बस है जिसके अंदर इस तरह का इमरजेंसी गेट दिया गया, और अगर कोई यात्री शरारत करने की कोशिश करता है या चलती बस में से खोलने की कोशिश करता है तो बस में इतना ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है कि बस ड्राइवर को तुरंत पता लग जाएगा कि बस का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की गई है। जल्द ही इन बसों का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले जयपुर दिल्ली, जयपुर शिमला और तमाम ऐसे रूट जहां पर लग्जरी यात्रा करने के लिए यात्री बसों को चाहते हैं वहां पर इन बसों को चलाया जाए। लग्जरी के साथ ही इन बसों में सेफ्टी के भी खास इंतजाम हैं। बस का गियर और क्लच पूरी तरह ऑटोमेटिक है, ऐसे में ड्राइवर को बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा ध्यान ड्राइविंग पर रहेगा। बस बैक करने के लिए स्टीयरिंग के पास रियर कैमरे का आउटपुट दिया गया है। साथ ही पूरे सफर में ड्राइवर जितनी बार ब्रेक लगाएगा उसका रिकॉर्ड भी LED पैनल में दर्ज होगा। बस GPS और CCTV कैमरों से लैस है। बस में एक एक इमरजेंसी डोर और 5 इमरजेंसी विंडो भी है। ड्राइवर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। हमारे जो माइलेज जो डाउन होता है वो माइलेज इसमें अच्छा आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर अपने कंट्रोल के हिसाब से चेंज हो रहा है वो। दूसरी चीज, हमारी जो सीट है ये भी बहुत बढ़िया है, अच्छी है, और ये गियर जो दिया है इसमें मैनुअल भी दिया हुआ है। कहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, कितने लोग थे, कितने दिन के लिए रहे थे आप लोग? हम गए थे बेंगलोर से 40-50 किलोमीटर आगे नरसापुरा गांव, नरसापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जी, वहाँ स्कानिया कंपनी की ये थी, वहाँ दिया गया है। अच्छा, कितने दिन रहे आप लोग? 4 दिन रहे थे हम। रोडवेज के सुपर लग्जरी सफर के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। खास बात ये भी है कि सफर के लिए आपको फिलहाल ज्यादा नहीं
बल्कि वॉल्वो के बराबर किराया ही चुकाना पड़ेगा। सचिन कुमार, जी मीडिया, जयपुर। पाकिस्तान में एक टीवी शो के दौरान पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई। देखते ही देखते दोनों क्रिकेटर्स ने अब शब्दों की सारी सीमाएं पार कर दी। रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ के बीच जुबानी जंग का ये वीडियो वायरल हो गया है। बेशरम आदमी से यही बात सुन सकते। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की तरफ से खेलने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं, इस सवाल को लेकर दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने अब शब्दों की सारी सीमा पार कर दी। यूसुफ ने रमीज राजा को सिफारिशी खिलाड़ी तक कह डाला। पाक टीवी एंकर ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन दोनों पूर्व क्रिकेटरों में जुबानी लड़ाई जारी रही। यार देखो, पहले तो तुम ऐसे जो मकार लोगों को प्लीज ना लाया करो मेरे साथ। भाई मकार आप है जो अपने घर वालों पे भी केस कर देते हैं, आपसे ज्यादा मकार कौन है? मोहम्मद आमिर को स्पॉट फिक्सिंग केस में 5 साल की सजा हुई थी। नेशनल कंडीशनिंग कैंप के दौरान विरोध पर आमिर रो पड़े और पूरी टीम से माफी मांगी थी। मोहम्मद हफीज और अजहर अली ने आमिर के साथ प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया था। 2010 में इंग्लैंड दौरे पर मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने कप्तान सलमान बट के इशारे पर 9 बॉल फेंकी थी। सलमान बट पर आजीवन, आसिफ पर 7 साल और आमिर पर 5 साल का बैन लगा था। अगर घर बैठे बैठे आपके मोहल्ले का डाकिया आपके घर आकर चुटकियों में आपके खाते में पैसे जमा करा दे, आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा भर दे या पार्सल का कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ले, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। जरा देखिए हमारे हाईटेक डाकिया बाबू को। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना। वो जमाने लदने वाले हैं जब डाकिया साइकिल पर खादी झोले में चिट्ठियां बांटा करते थे। अब जमाना है जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस से लैस रामेश्वर प्रसाद जैसे डाकियों का, जो सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं बांटते बल्कि डाक विभाग की वो तमाम सेवाएं डोर टू डोर पहुंचाते हैं, जिसके लिए अभी तक लोगों को डाक विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। और आगे जैसे भी जो भी सरकार की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक इसमें काम करके जो है जनता को भी इसके बारे में पता लग पाएगा और विभाग को भी इसमें काम करने में आसानी होगी। डाक विभाग ने अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डाकियों को ये वायरलेस जीपीएस डिवाइस देने की शुरुआत की है। इस जीपीएस डिवाइस के कई फायदे हैं, मसलन पोस्टल बैंक के खाते में आप हाथों हाथ रकम जमा और निकाल सकते हैं और उसका स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो इसका प्रीमियम भी आप रामेश्वर जैसे हाईटेक डाकियों के जरिए हाथों हाथ जमा करा सकते हैं। ई पोस्टल ऑर्डर की डिलीवरी भी चुटकियों में हो जाएगी। ये तो रही डाक विभाग की सेवाओं की बात, इसका फायदा ई कॉमर्स कंपनियों को भी मिलने वाला है। ये कंपनियां डाकियों से भेजे गए अपने पार्सल को बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाएंगी। पेमेंट की कैश ऑन डिलीवरी भी लगे हाथों हो जाएगी। जनधन खातों के डेबिट कार्ड पढ़ने की सुविधा भी इस डिवाइस में है। इससे मनरेगा की बायोमेट्रिक पेमेंट होगी, यानी पैसा सही हाथों में ही जाएगा। सब्सिडी भी उसके असली हकदार को ही मिलेगी। अब अगर कोई पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाका में जो भी पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन वो करते हैं वो तो डायरेक्ट हमारे डीसी को टच होता है। इससे पहले अगर हमको 10 मिनट लग रहा है तो अब सेकंड्स में काम हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन ऐसा हुआ है कि हमारे सिस्टम में एक ब्रांच ऑफिस, एक सब ऑफिस, एक हेड ऑफिस था, उसमें पहला ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ से एसओ, एसओ से फिर एचओ जा रहा था, अभी ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होंगे, हमारा एप्लीकेशन अपने आप उसको तालमेल कर लेंगे। अगर सरकार का ये कदम कामयाब रहता है तो आम जनता को आसानी तो होगी ही, डाक विभाग का खजाना भी बढ़ेगा। इन्हीं खबरों के साथ इंडिया एट 9 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।